Hello, good morning students. Now, today I am going to explain you EVS chapter number 6. The topic is From the Window. It is the continuation part of the Omanas journey. हमने जो 6th lesson में पढ़ा था ना Omana journey, उसी का continuation है ये lesson. From the window, मतलब window जो है उसके उससे through हम क्या देखते हैं, that we will learn. Here, it is the date of 17 May. कितने बजे हैं? 7:30. सो एक क्या लग रहा है आपको 7:30 दिस मॉर्निंग टाइम लिख योर आई एम रीडिंग आउट द लेसन प्लीज पे द अटेंशन नाउ इट्स अ मॉर्निंग टाइम लास्ट नाइट आई वेंट टू स्लीप अर्ली मतलब अगली रात को मतलब लास्ट नाइट मतलब वो जग गई मतलब कल की उस नाइट में जल्दी सो क्योंकि ट्रेन में तो क्या होता है टीवी नहीं होता कुछ भी नहीं होता है और वैसे ही बच्चे जल्दी सो जाते हैं तो वैसे ही ये भी उमाना भी जल्दी सो गई थी इट वॉज डार्क टू सी एनीथिंग आउटसाइड मतलब बाहर बहुत अंधेरा था रात था इसलिए सो वी आर नॉट एबल टू सी एनीथिंग तो कुछ दिखाई नहीं पाए तो हम कैसे कुछ देखें तो फिर बोर होके फिर हम सो ही गए देन वेन द ट्रेन स्टॉप्ड अर्ली दिस मॉर्निंग आई वोक अप फिर क्या हुआ सुबह सुबह जल्दी कहीं स्टेशन आया होगा और गाड़ी रुकी ट्रेन रुकी तो फिर मैं उठ गया आई वोक अप इट वॉज मडगांव दैट वॉज रिटन ऑन द बोर्ड एट द प्लेटफॉर्म मतलब वो कौन सा स्टेशन था इट वॉज द मडगांव स्टेशन और हमें पता कैसे चलता है ये कौन सा स्टेशन आया क्योंकि हर रेलवे प्लेटफॉर्म में स्टार्टिंग जब वो आता है स्टार्ट होता है प्लेटफॉर्म और जो एंड होता है दोनों तरफ पे एक येलो कलर का बोर्ड लगा हुआ होता है उसके अंदर ब्लैक लेटर में लिखा होता है वॉट एवर स्टेशन इफ इट इज़ पूना मुंबई बोरीवली या फिर सूरत है पालनपुर है जो भी है वो लिखा होता है उसके हिसाब से हमें पता चल जाता है ये कौन सा स्टेशन और एक तो प्लेटफॉर्म में अनाउंसमेंट भी होती है कि ये आ गया ये ट्रेन आ गई है मडगांव स्टेशन पर जिसको बैठना चाह तो हमें पता चल ही जाता है सो इट वॉज मडगांव स्टेशन अप्पा सेड दैट वी आर गोइंग थ्रू द स्टेट ऑफ गोवा अप्पा मतलब यहाँ पे कौन है अप्पा मतलब पप्पा पापा क्या बोल रहे थे हम गोवा के स्टेट के थ्रू जा रहे हैं मतलब पहले गुजरात ओके गुजरात अहमदाबाद से निकले थे फिर महाराष्ट्र आए महाराष्ट्र से फिर छोटा सा हमारा गोवा था उसके बाद हमारा केरला कर्नाटक स्टार्ट होता है सो दे हैव फाउंड नाउ हियर टू गोवा वी गॉट ऑफ एट द स्टेशन एंड हैड सम हॉट टी एंड फिल्ड अवर वाटर बॉटल्स अब वो लोग कब से बैठे हैं 16 मई से वो ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो अब पानी की बॉटल में पानी भी खत्म हो गया मतलब वाटर जग्स होते हैं बड़े बड़े 5 लीटर्स या 10 लीटर्स तो पानी खत्म हो गया तो पापा बड़े स्टेशन आए तो रुके वो ट्रेन तो पानी भी भरने के और सुबह का टाइम था तो हर यूजुअल सबको चाय पानी कॉफ़ी वगैरह पीने की आदत होती है तो ये लोग उसके पापा चाय भी मंगवाने लगे पानी की बॉटल्स भी भरने द ट्रेन स्टॉप अगेन आई फाइंड इट डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब द सीन आउटसाइड ट्रेन वापस रुकी और ये बहुत ही मुश्किल काम था मुझे डिस्क्राइब करने का सीन मतलब हम जो बाहर विंडो से देखते हैं ना जो भी नज़ारा जो भी हम देखते हैं दैट इज़ कॉल्ड सीन इट वॉज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब इट वॉज सो ब्यूटिफुल मतलब बहुत ही सुंदर था क्यों देखो इट इज़ ग्रीन एवरीवेयर फील्ड्स वेयर रेड सॉइल एंड ग्रीन क्रॉप्स हिल्स कवर विद ग्रीन अब क्या हुआ ये लोग कहाँ से निकले थे अहमदाबाद से तो अहमदाबाद में क्या होता है यूजुअली बहुत हॉट क्लाइमेट होता है इससे सब कुछ मतलब पानी कम और हॉट होने के कारण क्या होता है खेत सब कैसी घास थी इट वॉज ड्राई एंड ब्राउन इन कलर अब ये लोग गोवा की तरफ आ गए गोवा में क्या है क्लाइमेट बहुत ही मॉइस्चर वाला है तो बहुत ही कूल मॉडरेट क्लाइमेट है ओके वहाँ का मतलब बहुत गर्मी भी नहीं होती और बहुत ठंडी भी नहीं लगती है मॉडरेट क्लाइमेट होने के कारण क्या है वहाँ का नज़ारा मतलब इट वॉज एवरीवेयर इट वॉज ग्रीन 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 जैसे अभी आप देखते हो मानसून में हर जगह आप देखोगे आपको ग्रीन ग्रीन दिख रहा है क्यों बिकॉज बारिश गिर रही है तो हर जगह सब कुछ नए नए घास है ये सब उग जाते हैं इसलिए हमें हर जगह देखो तो फील्ड सब कुछ खेत वगैरह कहीं पे देखो खाली जो ग्राउंड होता है वो भी उसके अंदर घास ग्रो हो जाती है इसलिए ग्रीन ग्रीन नज़ारा दिखने को तो सेम ही ऑल्सो फाउंड तो उसको वो नज़ारा बहुत ही सुंदर लगा ओके वहाँ पे हरे हरे खेत थे और रेड सॉइल मतलब सॉइल अलग अलग होती है हर जगह मिट्टी का कलर अलग होता है जैसे हमारे यहाँ पे सैंडी सॉइल है मतलब वो पानी नहीं पकड़ती है वही आप सूरत की तरफ जाओ वहाँ जाओ तो वहाँ पे ब्लैक सॉइल है तो वो कैसी होती पता है ब्लैक सॉइल मतलब थोड़ा सा भी पानी डालो तो कीचड़ कीचड़ हो जाता है ओके वो पानी नहीं एकदम सोक करती है ऐसा होता है तो हर जगह सॉइल अलग होती है तो ये लोग गोवा की तरफ गए तो वहाँ पे कौन सा कलर लगा था रेड सॉइल मतलब जो मिट्टी होती नीचे हमारी सैंड वो रेड कलर की थी तो इस तरह से ग्रीन क्रॉप्स और पहाड़ भी थे हिल्स दे आर ऑल कवर्ड विथ ट्रीज सो इट वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल सीन देखो आप देख रहे हो यहाँ पे पिक्चर आपको एग्जाम्पल दिया है खेत है सब ग्रीन ग्रीन दिख रहे हैं ट्रीज है और पहाड़ दूर दूर थोड़े थोड़े माउंटेन्स दिख रहे हैं सो इन दिस वे इट वॉज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट और उसको बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि ये लोग बहुत अहमदाबाद ड्राई क्लाइमेट से आए हॉट क्लाइमेट से नाउ नेक्स्ट थिंग इज़
Sometimes I can see small ponds and far away behind the hills more water. कभी कभी उसे क्या दिखे, छोटे छोटे तालाब दिखे पॉन्ड्स, ओके, पानी के भरे हुए, और फिर दूर दूर से छोटे छोटे पहाड़ भी दिख रहे हैं पानी से भरे हुए, ये सब. आई कांट मेक ऑफ इट, इट इज़ अ रिवर और अ सी. तो दूर से उसको पता नहीं चल रहा ये नदी है, मतलब रिवर का मतलब नदी, फ्रेश वाटर होता है, और सी मतलब वो भी वो एक पार्ट है सी, ओके. उसको पता नहीं चल रहा रिवर है या सी है. द एयर इज कूलर एंड नॉट सो ड्राई एज इन अहमदाबाद. मतलब हवा कैसी आ रही है, बहुत ठंडी ठंडी हवा आ रही है, मॉर्निंग का टाइम है इसलिए विंडोज से आ रही है, और वो इतनी कूल नहीं है जैसी अहमदाबाद में होती है. मतलब अहमदाबाद क्या है, क्राउडी एरिया है, और उसका जो एरिया जो है ना वहाँ पे थोड़ा सन ज़्यादा ही हॉट होता है क्लाइमेट. जैसे आप देख सकते हो अहमदाबाद में गर्मियों में आप जाते हो समर में, तो वहाँ हॉट ही होता है क्लाइमेट, बिकॉज हमारे यहाँ नज़दीक में बहुत नदियाँ नहीं है, तो वहाँ थोड़ा क्लाइमेट इक्वेटर रीजन के पास आता है, इट इज़ हॉट, मतलब सन नज़दीक पड़ता है वहाँ, इसलिए वहाँ हॉट होता है. सेम गोवा में क्या होता है, मॉडरेट क्लाइमेट है, थोड़ा दूर हो जाता है सन से, और वहाँ क्या है अरेबियन सी का वो टचिंग आता है, इसलिए मॉडरेट, ना बहुत गर्मी ना बहुत ठंडी, और बारिश भी अच्छी खासी होती है. सो द मॉडरेट क्लाइमेट के कारण क्या होता है, वहाँ पे बहुत ग्रीन ग्रीन होता है. आप कभी भी साउथ घूमने गए तो वहाँ देख सकते हो, वहाँ मोस्टली 8 या 7 months 9 months मानसून सीज़न रहता है, मतलब बारिश होती रहती, कभी भी हो सकती है. ओनली 4 months जो समर के होते हैं वही हॉट होता है, बाकी वहाँ पर मॉडरेट क्लाइमेट होता है. द ट्रेन पास द 11 क्रॉसिंग. अब यहाँ पे आपको ट्रेन पास, मतलब ट्रेन कहाँ से निकली, 11 क्रॉसिंग वो आपको मैं समझा रही हूँ. जैसे आपको पता होगा हमारे लेवल क्रॉसिंग का मतलब है फाटक, हमारे गुजरात में जो बोलते हैं फाटक, मतलब जो एरिया रोड होता है और हमारी रेलवे ट्रैक से दोनों साथ में मीट करते हैं, मतलब मीटिंग प्लेस ऑफ द ट्रेन ट्रैक्स एंड द रोड. मतलब ट्रेन आ रही है, एक बात समझो, लेवल क्रॉसिंग पे क्यों हमें फाटक पे फाटक बंद हो जाते हैं, वाई, क्योंकि ट्रेन को जाने देना पड़ता है. ट्रेन हमेशा स्पीड में आती है या स्लो भी हो कुछ भी हो, बट उसकी ब्रेक एकदम सडनली नहीं रहती, इसलिए जब भी ट्रेन आती है तो एक सिग्नल मिल जाता है स्टेशन पे, तो वो लोग वो लेवल क्रॉसिंग पे वो क्लोज कर देते ताकि व्हीकल्स को स्टॉप करना पड़ता है ताकि ट्रेन आराम से निकल सके. और जब वो ट्रेन निकल जाती है तभी वो लेवल क्रॉसिंग स्टैंड निकाल देते हैं और व्हीकल्स सब क्रॉस करके. वाई, एक चीज़ देखो, लेवल क्रॉसिंग के टाइम जब क्यों बंद किया जाता है, बिकॉज ट्रेन को आराम से जाने देना पड़ता है, ट्रेन कांट स्टॉप, उस तो अपना रूट लेके आए, उसका रोड है तो वो तो चलेगा ही, हम रुक सकते हैं फॉर सम टाइम, ओके. और एक चीज़ है, अगर आपने ये लेवल क्रॉसिंग पे फाटक बंद नहीं किए, अगर स्टैंड नहीं किया तो क्या होगा, इट कैन ऑल्सो क्रिएट एक्सीडेंट्स. तो ट्रेन को पास करने देने के लिए पहले हमें उस टाइम पर रुकना पड़ता है, इसलिए हमारे पे वो उस टाइम पर लेवल क्रॉसिंग पर स्टैंड लगता है और वहाँ पर ट्रैफिक, जैसे ये यहाँ पर एक स्क्रीन दिख रहा है, इट इज़ द लेवल क्रॉसिंग, दोनों तरफ होते हैं दोनों, क्योंकि इस ये वाले दिखाते हैं, इस स्टैंड वाले को यहाँ पे, दोनों तरफ रोड था और बीच में ट्रैक होती है. ट्रेन यहाँ से निकल जाए फिर उसके बाद ये खड़े कर देते हैं, मतलब स्टैंड खुला कर दे ताकि व्हीकल्स फिर यही वाले यहाँ जाते हैं और ये वाले यहाँ, ऐसे करके दोनों क्रॉसिंग कर दे. अगर ना करें तो एक्सीडेंट्स हो सकते हैं. सो यहाँ पे ये बंद किया जाए. पीपल आर वेटिंग ऑन द बोथ द साइड्स ऑफ द क्रॉसिंग फॉर द ट्रेन टू पास. दोनों तरफ लोग खड़े हैं ट्रेन को पास करने देने के, ट्रेन को निकलने के लिए. There are buses full of people, cars है, trucks है, auto rickshaws है, cycles, motorcycles, scooters and even tongas and bullock carts with people. मतलब हर प्रकार की vehicles है. और vehicle मतलब हर किसी को जो भी काम है वो जाएगा, बैलगाड़ी भी हो सकती है, घोड़ा गाड़ी भी हो सकती है, ऑटो रिक्शा, बाइक है, स्कूटर है, एक्टिवा, जो भी हो, तो सब लोग खड़े हैं. All the people are waiting there and goods in them. टोंगाज एंड बुल्लक कार्ट्स विद पीपल एंड गुड्स इन देम. टोंगाज मतलब टोंगा मतलब क्या होता है, घोड़े गाड़ी, और बुल्लक कार्ट मतलब बैलगाड़ी, उनके अंदर लोग भी है और उसके साथ गुड्स. गुड्स का मतलब जो टीचर गुड दे रहे हैं वो नहीं, गुड का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, सामान. आप देख सकते हो बहुत सी जगह पे ऊंट गाड़ियाँ होती है, बैलगाड़ी, उसके ऊपर कुछ ना कुछ सामान होता है. यर गुड्स का मतलब सामान होता है. सम पीपल डू नॉट स्विच ऑफ द इंजिन्स ऑफ देयर व्हीकल्स इवन वाइल वेटिंग एट द लेवल क्रॉसिंग. अब होता क्या है, अब ट्रेन को तो जाने देना है लेवल क्रॉसिंग पे, दोनों तरफ बंद कर दिया स्टैंड. व्हेन वी आर स्टॉपिंग, आप देख सकते हो, तो हमें क्या करना चाहिए, पेट्रोल में और डीजल तब बहुत महंगा हो गया है तो हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए. आप देख सकते हो ना हर जगह लिखा होता है सेव फ्यूल. तो ये लोग, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि ये ट्रेन पास करने देनी है, हमें रुकना ही है, पर फिर भी वो लोग अपने जो व्हीकल्स है, कार है, मोटरसाइकिल है, बाइक है या एक्टिवा है, उनकी स्विच ऑफ नहीं करते, मतलब वो स्टार्ट ही रखते हैं अपने इंजन को. तो स्टार्ट रखने के टाइम पे क्या क्या होता है,
ये लॉस ये अच्छी बात है या बुरी बात है? इट इज़ रॉन्ग, बिकॉज एक तो ये पेट्रोल डीजल वेस्ट करता है और ऊपर से जब भी मोटर स्टार्ट होती है तो उसके टाइम पे नॉइज़ पोल्यूशन, आवाज़ भी निकलती है और धुआं निकलता है, दैट इज़ कॉल्ड एयर पोल्यूशन। तो ये सब कुछ इतना लॉस होते, इट इज़ नॉट गुड, और फिर भी ये लोग कुछ समझते नहीं है। सो इट इज़ रॉन्ग, वी हैव टू स्विच ऑफ द व्हीकल, मतलब हम जब भी लेवल क्रॉसिंग पे खड़े हैं हमें रुकना ही है तो व्हीकल को ऑफ कर देना चाहिए। बट सम पीपल्स आर नॉट डूइंग द थिंग्स, देयर इज़ लॉट ऑफ स्मोक, जैसे मैंने आपको बताया बहुत धुआं निकला, क्योंकि इंजन स्टार्ट होता है तो धुआं तो नहीं निकलेगा ही गाड़ियों में से, और नॉइस मतलब हॉर्न्स लगाते ये सब करते, गाड़ी का व्हीकल स्टार्ट होता है तो इंजन की आवाज़ भी आती है, तो दोनों तरफ मतलब धुआं मतलब एयर पोल्यूशन हुआ, नॉइज़ मतलब साउंड पोल्यूशन हुआ। आई सी सम पीपल गोइंग अंडर द बार्स ऑफ द लेवल क्रॉसिंग, मतलब कुछ व्हीकल्स है वो तो लेवल क्रॉसिंग के नीचे से नहीं जा सकती है, उनको तो रुकना ही पड़ेगा, बट कुछ पीपल क्या आते हैं हमारी तरफ चलते रोड पे, ओके दे आर वॉकिंग, तो वो लोग क्या करते हैं अभी तो बहुत दूर दिख रहे हैं चलो हम क्रॉस कर ले, तो वो ठीक भी नहीं है एक तरफ से, पर वो बहुत दूर है तो ठीक है बट नज़दीक है तो नहीं करना चाहिए, बिकॉज इट कैन ऑल्सो क्रिएट एक्सीडेंट। हाउ डेंजरस दिस इज़, ये डेंजरस तो है ही, कभी जल्दी आ गई हमें क्या पता कितनी स्पीड में आ रही गाड़ी, तो कभी हम भी मर जाएंगे, सो इट्स रॉन्ग एट टाइम्स। और ट्रेन क्रॉसेस अनदर ट्रेन, यूनी एंड आई ट्राई टू काउंट द कैरियर्स इन वन सच ट्रेन। अब होता है क्या, कभी कभी आप ट्रेन पे जाते हो, यू कैन सी समटाइम्स एक ट्रेन के साथ बाजू में दूसरी ट्रेन भी ट्रैक पे चलती है ना, उस टाइम पे का तो एकदम ज़ोर से आवाज़ आती है क्योंकि क्लैश होता है हवा के साथ आवाज़ है, तो उस टाइम पे बहुत ही साउंड होता है, तो ये लोग क्या उनको मज़ा आ, यूनी एंड आई, उन्नी कौन थे जो ओमाना के साथ ट्रेन में उनके फ्रेंड्स बने थे, उन्नी एंड आई मतलब आई का मतलब यहाँ ओमाना, ट्राइड टू कैरी द कैरेज ऑफ द वन ऑफ द ट्रेन। उनको क्या लगा, उनका काम क्या होता है बैठे बैठे टाइम पास ही तो करना, कि चलो वही ट्रेन निकल रही है हमारे बाजू में से चलो हम काउंट करें उनके कोचेस कितने हैं, बट वो बहुत स्पीड में होती है गाड़ी तब कभी भी इट इज़ इम्पॉसिबल, हम काउंट नहीं कर सकते हैं बिकॉज वो गाड़ी बहुत स्पीड में, बट बोथ द ट्रेन वर रनिंग सो फास्ट वी ऑलवेज गॉट कन्फ्यूज, दोनों ट्रेन फास्ट जा रही थी तो हम वो ट्रेन नहीं कर पाए। वॉट वॉज द डिफरेंस इन द सीन दैट ओमाना सॉ फ्रॉम द ट्रेन ऑन द फर्स्ट डे एंड द सेकेंड डे। अब डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब आपको फर्स्ट डे और सेकेंड डे के सीन जो विंडोज़ के बाहर के सीन में कौन सा आपको डिफरेंस लग रहा, मतलब क्या अलग दिखा। फर्स्ट डे वो लोग अहमदाबाद से निकले थे, अहमदाबाद बहुत ड्राई एरिया है तो वहाँ पे ग्रास कैसी थी, इट वॉज़ ड्राई एंड ब्राउन और क्लाइमेट बहुत हॉट था। सेम थिंग सेकेंड डे क्या हुआ, दे वर पासिंग फ्रॉम गोवा तो वहाँ का क्लाइमेट बहुत कूल एंड अच्छा मॉइस्चर वाला था, और ऑल द फील्ड्स वेर ग्रीन एंड फील्ड्स फिल्ड विद ट्रीज एंड माउंटेन्स हिल्स कवर विद ट्रीज, ये सब नज़र बहुत ही अच्छा था। तो ये डिफरेंस था फर्स्ट डे के सीन से और दूसरे वाले सीन से। नेक्स्ट इज ओमाना सॉ मैनी काइंड ऑफ व्हीकल्स एट द लेवल क्रॉसिंग विच ऑफ देम रन ऑन डीजल और पेट्रोल। आप देख सकते हो व्हीकल्स हमेशा पेट्रोल और डीजल से ही चलती है, पानी से चलती है नो, कुछ व्हीकल्स ऐसे होते हैं जो डीजल से ही चलती है और कुछ पेट्रोल से, दैट इज डिफरेंस, बट कुछ ना कुछ फ्यूल सोर्स होता ही है, या फिर अभी तो चार्जिंग बैटरी वाली भी निकली बट इट डजंट ग्रो थ्रू लॉन्ग डिस्टेंस। देयर वॉज सो मच स्मोक एंड नॉइज फ्रॉम द व्हीकल्स एट द लेवल। क्यों स्मोक और नॉइज था, बिकॉज द व्हीकल्स वेर नॉट स्विच ऑफ्ड, व्हीकल्स को स्विच ऑफ नहीं किया था, इन्होंने बंद नहीं की थी व्हीकल्स को, इसलिए नॉइज आ रही थी। और स्मोक किसने निकला था, अगर इंजन अगर स्टार्ट है तो धुआं तो निकलेगा ही स्मोक, इसलिए साउंड पोल्यूशन होता, सो देर वॉज सो मच नॉइस। वॉट कैन वी डू टू रिड्यूस द नॉइस ऑफ द व्हीकल्स एंड सेव पेट्रोल एंड डीजल। हम क्या कर सकते जिससे हम आवाज़ कम कर सके एंड पेट्रोल सेव कर, तो इसके लिए एक ही तरीका होता है, वी हैव टू स्विच ऑफ द व्हीकल्स। अगर हम व्हीकल्स को स्विच ऑफ कर दें तो ना तो आवाज़ आएगी ओके, तो फिर ना साउंड पोल्यूशन नहीं होगा, और जब धुआं इंजन ऑफ होगा तो धुआं नहीं निकलेगा, तो इस वजह से एयर पोल्यूशन भी नहीं होगा एंड दी कैन सेव द पेट्रोल एंड डीजल। अगर मोटर ही बंद है व्हीकल की तो सब कुछ सेव ही सेव है। सो हमें व्हीकल जब भी लेवल क्रॉसिंग पे है तो उस टाइम पे हमें स्विच ऑफ कर देनी। समटाइम्स पीपल क्रॉस द ट्रैक्स इवन व्हेन द क्रॉसिंग इज क्लोज, व्हाट डू यू फील अबाउट दिस। कुछ कुछ बार क्या होता है, व्हीकल लेवल क्रॉसिंग मतलब जो फाटक होती है वो बंद होती है तो अभी पीपल क्रॉस करते हो, इट इज़ इट रॉन्ग, राइट और रॉन्ग? नो, इट इज़ रॉन्ग, क्योंकि रिस्की है, कभी कभी एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, कभी स्पीड में ट्रेन आ गई तो कुछ भी हो सकता है। सो नाउ इट इज़ 17th में एंड टाइम कितना है 9:30, मतलब 8:30 हुआ। लेटर आई वॉज सिटिंग नियर द विंडो विद माई आईज क्लोज, सडनली द साउंड ऑफ द मूविंग ट्रेन चेंज, खुड़ 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 खुड़, आई ओपन माई आईज़,
Guess what I saw? Our train was running, crossing a very big river on a very long bridge. अब थोड़ी देर बाद वो अपनी आंखें बंद करके, ठंडी हवा आ रही थी इसलिए उसको नींद भी आ रही थी, मतलब आराम से बंद करके बैठा था आंखें, एंड सडनली क्या वो एकदम से ट्रेन का आवाज़ चेंज हो गया. उसने देखा एकदम से उसकी आवाज़, मतलब उसने अपनी आंखें खोली तो देखा तो क्या हुआ, ट्रेन रिवर को क्रॉस कर दी. अब देखो पानी में ट्रेन जा सकती है? नो, बट इट इज़ पॉसिबल क्योंकि ट्रेन के ऊपर ब्रिज होती है, ब्रिज के ऊपर हम ट्रैक्स लगाए हुए हैं, ट्रैक्स के ऊपर हमारी ट्रेन चलती है, सो इट इज़ पॉसिबल. बट इट वॉज़ अ वेरी लॉन्ग रिवर और रिवर बहुत लंबी थी तो उसके ऊपर बहुत लंबा ब्रिज भी लगा हुआ था और एकदम से वो आवाज़ चेंज. एज इट वॉज क्रॉसिंग द ब्रिज इट साउंडेड वेरी डिफरेंट. जैसे जैसे वो रिवर के क्रॉस कर रही थी तो उसका आवाज़ बहुत ही अजीब सा आ रहा था. वाई? आप देख सकते हो ब्रिज जो होता है ऊपर होता है, नीचे रिवर होता है, वो दोनों के बीच कुछ नहीं होता है. क्या होता है? खाली स्पेस होती है. सो वॉट हैपन्स, ग्राउंड नहीं है, नीचे ज़मीन लेवल नहीं है. अगर ज़मीन होती है तो उसमें कोई इतनी ज़्यादा आवाज़ नहीं आती, बट ऊपर से ट्रैक ही लगी है और नीचे पानी है, उसके बीच में बहुत स्पेस होने के कारण इकोसिस्टम होती है जो तब जाके जो व्हील्स जो घूमते हैं तो आवाज़ ज़्यादा निकलती है. इसलिए हम आप जब भी देखो ट्राई करना, ब्रिज के साथ ब्रिज के ऊपर जब भी गाड़ी चलती है तो उसका आवाज़ अलग से हो जाता है और बहुत ही आवाज़ होती है और डिफरेंट होती है बिकॉज देयर इज़ नो ग्राउंड एट द बेस. द व्हील्स रैटल, सिर्फ पहिए ही चलते हैं बिकॉज एज देर आर नो ग्राउंड ओनली द ट्रैक्स एंड द वाटर डाउन बिलो. पानी है, सिर्फ ट्रेन की पटरियाँ ही हैं, ट्रैक्स ही है और पानी भी तो है, वो भी बहुत नीचे, तो पानी में उसकी आवाज़ वहाँ पे ग्राउंड लेवल न होने के कारण आवाज़ चेंज हो जाती है. व्हेन आई फर्स्ट लुक डाउन आई फेल्ट गिडी. पहले जैसे मैंने देखा तो मुझे बहुत ही एकदम से स्कैरी, मतलब वो डरावना लग रहा था क्योंकि ट्रेन गिर जाएगी. हम ऐसे नहीं लगता है कभी कभी, ब्रिज के ऊपर हम चल रहे हैं, नीचे पानी, अगर कुछ हो गया तो क्या होगा, गाड़ी नीचे गिरी तो हमारा एक्सीडेंट हो गया तो हम मर जाएंगे, ऐसा भी होता. तो वो पहली बार जा रहा था सो ही वॉज फीलिंग समथिंग स्कैरी, इट वॉज रियली क्वाइट स्कैरी, मतलब बहुत ही डरावना था उसके लिए पहली बार. रिवर डाउन बिलो वॉज फुल ऑफ वाटर एंड हैड सम बोट्स. नीचे जो रिवर थी वो पूरी ही पानी से भरी हुई थी, बहुत ही डर. और रिवर्स मोस्टली डीप भी बहुत होती है तो कभी एक्सीडेंट ना हो इसकी डर भी लगती है. आई कुड ऑल्सो सी सम फिशरमैन. अब रिवर है तो वहाँ पे मच्छी मारे तो होते ही है, फिशेस होती है, तो कुछ लोग अपना प्रोफेशन करते हैं मच्छी मारे, जो मछलियाँ पकड़ते हैं छोटी छोटी बड़ी जो भी है, और उनको बेच के अपना रोज़गार गुजारा करते हैं. तो वो अपना काम कर रहे हैं, बोट्स के अंदर नेट लेकर आके बीच नदी में नेट्स डालते, फिर फिश पकड़ते और उनका बिजनेस करते. सो नाउ यू कैन सी दिस सीन. देखो ये एक सीन देखो, ये ब्रिज है, ऊपर से व्हीकल्स जा रही हैं, ये तो रोड है. तो रोड में क्या होता है, रोड और रेलवे ट्रैक्स पे, रेलवे ट्रैक्स के नीचे कोई ज़मीन नहीं होती है इसलिए उसकी आवाज़ बिल्कुल डिफरेंट होती है. बट रोड का जो ब्रिज होता है वहाँ पे ऐसा नहीं होता है आवाज़. यू कैन सी हम जब भी रोड पे जा रहे हैं ट्रांसपोर्ट तो वहाँ पे आपको आवाज़ चेंज नहीं होती बिकॉज रोड एक रोड प्लेन सरफेस होता है ना, तो वहाँ पे ग्राउंड लेवल होता है हमारे लिए बेस, इसलिए वहाँ चेंज नहीं होता है. ये देखो रिवर है, ये ब्रिज बांधी है और एक तरफ से जा रहा है, तो यहाँ से पानी चला जाता है और हम लोग ऊपर नीचे ग्राउंड लेवल होता है इसलिए आराम से हमारे व्हीकल्स निकल जाते हैं. ऑन द मैप आई वेव्ड एट देम. उसको मज़ा आ रहा था नीचे फिशरमैन को ऐसे ऐसे करने का, पर हमारी गाड़ी जैसे जल्दी चलती है नीचे वालों को कुछ नहीं पता चलता है. आई डिड नॉट नो इफ दे कुड सी मी और नॉट. उसको पता नहीं था कि मुझे वो फिशरमैन देख रहे हैं, पर उसको मज़ा आ रहा था इसलिए उसने मुझे ऐसे ऐसे हैंड वेव किया. नाउ अब देखो ये है ट्रेन का ब्रिज, नीचे वाटर है, ये ब्रिजेस हैं आयरन के पिलर्स लगे और ये कवर होता है क्योंकि कभी एक्सीडेंट्स ना हो इसलिए, और ये हमारी ट्रेन ट्रैक्स लगी होती है इसके यहाँ पे और वहाँ पे ट्रेन हमारी चलती है. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द रोड ब्रिज एंड द रेलवे ब्रिज. वहाँ बेस होता है, यहाँ नहीं होता है. अलोंग साइड आवर ब्रिज देयर वॉज अनदर ब्रिज फॉर बसेस एंड कार. मतलब हमारी जो ये ब्रिज था, दिस इज द रेलवे ब्रिज, उसके बाजू में रोड वाला ब्रिज भी था. There were many another bridge for buses and cars. This was built differently. मतलब वो different था, आप देख ही सकते हो कितना different लग रहा है. वो सीमेंट का भरा हुआ है और वहाँ बेस भी है, आराम से गाड़ी चल रही है, और यहाँ पे आयरन की बनी है बिकॉज स्ट्रांग होनी चाहिए, नीचे पानी है और ये भी देखो बेस आयरन का बना है. तो बोथ द डिफरेंस यू कैन सी, दिस वॉज बिल्ट डिफरेंटली फ्रॉम आवर्स. हमारे वाले ब्रिज से ये बहुत ही डिफरेंटली बिल्ट किया होता, मतलब डिफरेंट तरीके से उसको बांधा गया था. आई थिंक गोइंग ओवर अ ब्रिज वॉज मोर एडवेंचरस. उसको बहुत ही एक नया
एक्सपीरियंस हुआ यहाँ से. हैव यू सीन एनी ब्रिजेस वेयर, आपने देखा है ब्रिजेस? यस, हमारे एरिया में है ही, अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है रेलवे वाला ब्रिज, बट इट इज़ अ रेलवे ट्रैक, मतलब हमारा रोड का है इसलिए वो इज प्लेन ग्राउंड है. हैव यू एवर क्रॉस्ड अ ब्रिज? यस. वेयर? तो हमारे यहाँ सिटी में ही है. व्हाट वॉज द ब्रिज बिल्ट ओवर? किससे बांधा हो गया, किसके ऊपर बांधा गया? अबव द रेलवे ट्रैक. व्हाट डिड यू सी बिलो द ब्रिज? ब्रिज के बिलो क्या देखा? रेलवे ट्रैक्स. यहाँ पे रिवर है, हमारे यहाँ नीचे और क्या है? रेलवे ट्रैक्स है. फाइंड आउट व्हाई ब्रिजेस आर मेड, क्यों ब्रिजेस लगाए जाते हैं? या तो पानी है, पानी के हम हर बार स्विम करने नहीं जाते. टू मेक द वर्क ईजी एंड स्लो मूविंग, इसलिए क्या है? या तो कुछ ऐसे व्हीकल्स डिस्टर्ब नहीं करें. ये तो नीचे रेलवे ट्रैक्स जा रही है और ऊपर से हमें ब्रिज क्यों लगाए? ताकि हम रोड वाले जा सकें, ताकि डिस्टेंस भी कम हो जाए और जल्दी से हम निकल सकें. टू सेव द टाइम एंड फ्यूल, बोथ होता है. नाउ दिस इज द 17th मे, अभी कितने बजे है? 11:30 बजे. देखो 11:30 हुआ टाइम. ओके, द लास्ट फ्यू आवर्स हैव बीन सो एक्साइटिंग. थोड़े घंटों के लिए मैंने जो बहुत एक्साइटिंग, मतलब कुछ नए नए देख रहे थे, मज़ा आ रहा था. आफ्टर ब्रेकफास्ट, मतलब ब्रेकफास्ट में नाश्ते का टाइम, आई क्लाइम्ब ऑन टू द अपर बर्थ टू रीड माई कॉमिक्स. इट वॉज ब्राइट एंड सनी आउट साइड, सडनली एवरीथिंग बिकेम डार्क. आई ऑल्सो फेल्ट अ लिटिल कूल इन साइड, आई वॉज अफ्रेड. अब क्या हुआ, थोड़े घंटे तक बहुत मज़ा आया विंडोज़ में देखने का, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम था. फिर क्या हुआ, वो ऊपर अपर बर्थ में चला, मतलब अपर मतलब मैंने जैसे बोला लोअर बर्थ, मिडिल बर्थ और अपर बर्थ, मतलब बच्चे मोस्टली ऊपर चले जाते हैं पढ़ने के लिए और मस्ती करने के लिए. तो वो भी ऊपर फिर चला गया कॉमिक्स में, कॉमिक्स मतलब कार्टून की बुक्स पढ़ने के लिए. आई वॉज, इट वॉज ब्राइट एंड सनी, मतलब 11:00 बजे 11:30 हो गए तो मतलब सन खुला थोड़ा हो जाता है और थोड़ी ब्राइटनेस भी आ जाती. सडनली एवरीथिंग बिकेम डार्क, मतलब एकदम से लाइट था और एकदम से डार्क हो गया. तो ये क्या हुआ, दिन होता एकदम से डार्क जैसा कैसे होगा? सो आई वॉज अ फेल लिटिल कूल इन साइड, और उसको अंदर से ठंडी लग रही थी. वाई? और उसको डर भी लगने लगी, एकदम से इतना लाइट था और एकदम से कैसे अंधेरा हो गया. देन द लाइट्स इन द ट्रेन केम ऑन. फिर क्या हुआ, ट्रेन के अंदर जो होती है ना, ट्रेन के अंदर भी लाइट्स होती है, यूजुअली वो रात को ही स्टार्ट होती है, बट एकदम से डार्क हो गई इसलिए अंदर ट्रेन के अंदर अपने आप ही स्विच ऑन हो गई लाइट्स. बट आउटसाइड इट वॉज वेरी डार्क. बट क्या हुआ, बाहर डार्क था, इट वॉज मॉर्निंग टाइम 11:30, फिर भी डार्क हो गया. वाई? समबडी सेड वी हैव एंटर्ड ए टनल, दिस गोज राइट थ्रू द माउंटेन. अब कुछ लोगों नीचे बैठे होते हैं ना, जो पैसेंजर्स होते हैं जो चलते हैं, उन्होंने क्या बोला कि हम लोग टनल में आ गए. टनल का मतलब क्या होता है, जैसे गुफा हम बोलते हैं, आपने नाम सुना होगा चंबल की घाटी, ये सब पुराने फिल्म्स में या कहीं आपके फैंस को आप पूछोगे तो पता चल जाएगा. केव्स, टनल का मतलब क्या होता है, कुछ पहाड़, बड़े बड़े पहाड़ होते हैं या कोई ऐसी एरिया होती है, उस पहाड़ को वो लोग कटिंग करके उसके अंदर से एक रास्ता बनाया जाता है. दैट में भी रोड भी ऑल्सो हो सकता है या फिर ट्रेन को चलने के लिए होता है, तो दैट इज़ कॉल्ड टनल, गुफाएं जो बोलते हैं. ओके, तो पहाड़ को कटिंग करके वो वहाँ से हम लोग रास्ता निकालते हैं, दैट इज़ कॉल्ड टनल. तो अब देखो, सोचो पहाड़ को हमने कट किया, मतलब पत्थर, बड़े बड़े रॉक्स होते हैं उसको कटिंग करके हमने रास्ता, तो यूजुअली वहाँ पे घर बाहर का नज़ारा तो देखने को नहीं मिलेगा, नीचे पत्थर ही होंगे दोनों साइड पे, तो क्या होगा, अंधेरा ही होगा, लाइट तो आने वाली और बहुत ही लंबी होती है वो चैनल. ओके, सो वहाँ पे अंधेरा हो जाता है. टनल, यू कैन सी हियर द सीन, आपके लिए ये एग्जांपल दिया गया. इफ़ यू विल ऑल्सो ट्राई इन योर मोबाइल, यू कैन सर्च, यू कैन फाइंड सम मेनी एग्जांपल्स, तो कि आपको क्लियर समझ आया. गुफा कैसे होती, देखो ये पहाड़ी है दोनों तरफ दिख रहा है आपको, और उसके अंदर से इन्होंने कंस्ट्रक्शन की के ये केव बनाया, देखो ऐसे केव, इससे अंदर से आराम से ट्रेन जाती. तो मतलब जितनी लॉन्ग है पहाड़ के, तो वहाँ तक वो अंधेरा रहेगा, डार्क रहेगा. फिर जब निकलते तो ऑटोमेटिकली आपको विंडोज और बाहर की सीनरी लाइट वाला दिखने लगा है, बट तब तक जब तक वो टनल के अंदर से जा रही है तब तक डार्क ही रहेगा. सो दिस इज़ कॉल्ड टनल, वी हैव एंटर्ड अ टनल, दिस गोज राइट थ्रू द माउंटेन, मतलब ये पहाड़ों से निकल के जा रही है. द टनल सीन टू गो ऑन ऑन गो ऑन, मतलब उसको लगा था जा ही रही गाड़ी, जा ही रही है, मतलब बहुत लंबा लगा उसका. एंड देन जस्ट एज सडनली वी वेर इन डे लाइट, फिर थोड़ी देर बाद क्या हुआ, एकदम से हम डे लाइट में आ गए, मतलब एकदम से हमारे कोच के अंदर लाइट आ गई, मतलब हम टनल से निकल गए बाहर. आउटसाइड इट वॉज सनी ब्राइट एंड ग्रीन, मतलब जब हम निकल के आए बाहर तो बाहर कैसे लग रहा था, सनी मतलब धूप थी और सनलाइट था तेज, और सर जगह ग्रीन ग्रीन थे. ट्रेन हैड क्रॉस द टनल, अब ट्रेन टनल से निकल चुकी है. अप्पा एक्सप्लेन दैट वी वेयर ऑन द अदर साइड ऑफ द माउंटेन, हम लोग पहाड़ के
उस तरफ है, ऐसे करके पापा ने बताया। सिंस देन वी हैव पास थ्रू फोर स्मॉलर टनल, उसके बाद भी चार छोटे छोटे टनल्स आए, उसके थ्रू से भी हम निकल के। सिंस देन वी हैव पास थ्रू फोर स्मॉल टनल्स, नाउ आई एम एंजॉइंग गोइंग टू द मटानल्स। अब उसको पहली बार ही डर लग रही थी, अब सेकेंड टाइम उसको मज़ा आता, हाँ हम गुफा से निकल रहे करके। इट वॉज़ वेरी नाइस। हैव यू एवर बीन थ्रू अ टनल, हाउ डू यू फील? तो ये भी पूछ रहे हैं कि आप टनल के थ्रू गए हुए, अगर गए हैं तो आपको पता ही होगा, नहीं गए तो फिर आप कभी जाओ इन फ्यूचर तो आपको पता चल जाएगा। देन नेक्स्ट इज दिस, इमेजिन एंड ड्रॉ इन योर नोटबुक व्हाट मोमना सॉ अंडर द ब्रिज व्हेन हर ट्रेन क्रॉस इट। वो बोल रहा है कि ब्रिज के नीचे से जब जा रहा था, क्रॉस करी थी ट्रेन, तो आप वो सीन इमेजिन करके ड्रॉ करो। यू कैन ड्रॉ इफ यू लाइक। इमेजिन इफ ऑन द वे देयर हैड बीन नो टनल्स एंड ब्रिजेस, हाउ वुड ओमनास ट्रेन हैव क्रॉस द माउंटेन। सोचो अगर टनल्स नहीं होते तो माउंटेन से हमने क्रॉस नहीं करते, और ब्रिजेस नहीं होते तो हम रिवर्स से कैसे निकलते। सोचो तो सही, एक इमेजिन करके देखो। ही इज टेलिंग नाउ कितने हुए, 17th में है और कितने बजे, 12:15 हो गया। नाउ इट इज़ आफ्टरनून, ऑब्वियसली 12 बजे के बाद तो आफ्टरनून हो गया। इट वॉज लंच, फॉर लंच वी हैड इडली वड़ा दैट वी ब्रॉट फ्रॉम उडुपी स्टेशन। अब उनके नाश्ते में क्या आया, पहले क्या आया था, वड़ा पाव आ रहा था, समोसे आ रहा था, अब क्या आ गया, योर इडली वड़ा। इडली वड़ा मतलब ये लोग साउथ की तरफ चले गए, क्योंकि वैसे ही वो केरला की तरफ जाना है, तो अब इडली वड़ा आ गया। और वी हैव ब्रॉट इट फ्रॉम उडुपी स्टेशन, उडुपी का स्टेशन आया होगा, जैसे ये पालमपुर स्टेशन है, अहमदाबाद स्टेशन आता है, तो वैसे ये कहाँ पे आए, उडुपी में। वी ऑल्सो ब्रॉट सम बनानास, हमने केले भी खाए, वहाँ के टेटे मस्त होते हैं, टेस्टी होते हैं। दीज आर वेरी स्मॉल एंड वेरी टेस्टी, वहाँ पे छोटे छोटे होते हैं, जैसे हमारे यहाँ बनाना येलो कलर के मिलते हैं, वहाँ बनानास ग्रीन कलर के मिलते हैं, एंड इट इज़ वेरी स्वीट। द सीन आउटसाइड हैड चेंज अगेन, अब वापस वो सीन चेंज हो गया, कैसे, नाउ वी कैन सी मैनी कोकोनट ट्रीज एंड ग्रीन फील्ड्स एवरीवेयर। अम्मा सेज दैट दीज आर पैडी फील्ड्स। अब क्या हुआ, वापस ट्रेन विंडोज़ के बाहर का सीन पूरा चेंज किया हुआ, कैसे चेंज हो गया, मतलब बाहर बहुत ग्रीन ग्रीन फील्ड्स देखने को मिले, मतलब हरे हरे खेत दिख रहे लगे और कोकोनट के पेड़ लगे दिख रहे हैं। मतलब हमने यहाँ पे देखा है अपनी सिटी में, नो, बिकॉज कोकोनट ट्री हमेशा सी शोर जो होता है, दरिया किनारे वहीं पे ग्रो होता है, तो यहाँ पे अब कोकोनट ट्रीज आ गए, ग्रीन ग्रीन खेत आ गए हैं, सब कुछ चेंज हुआ। एंड देर आर पैडी फील्ड्स, पैडी का मतलब क्या होता है, चावल के जो खेत हो, जैसे हमारे गेहूँ का भी खेती होती है, तो यहाँ पे पैडी फील्ड्स के लिए क्या चाहिए, पानी ज़्यादा चाहिए, तो केरला में ऑब्वियसली पानी बहुत ज़्यादा है, तो साउथ में मोस्टली सब लोग चावल खाते हैं, तो वहाँ पे सब पैडी ही ग्रो करते हैं, और पैडी फील्ड्स के लिए ज़्यादा पानी चाहिए, तो वहाँ पे ज़्यादा पानी होने के कारण वो आराम से ग्रो होते हैं। द हाउसेज एंड विलेज लुक वेरी डिफरेंट, वहाँ के घर जो होते हैं वो बहुत ही डिफरेंट तरह के दिखते हैं। आप देख सकते हो हमारे यहाँ की सिटी में, और कंपेयरिंग टू कश्मीर जाओ तो भी आपको थोड़े घर के जो होते हैं प्लानिंग वगैरह स्ट्रक्चर अलग, बिकॉज वहाँ स्नोफॉल होता है, तो स्नो को गिरने के लिए हर बार थोड़ी स्नो साफ करेंगे, तो उनके स्लोपिंग रूफ्स होते हैं, इसलिए वो निकल के आ जाए। और यहाँ पे हमारे स्नोफॉल नहीं होता है, सिर्फ पानी भरता है बारिशों में, तो वो तो आराम से निकल के आ जाता है। हमारे पीपल्स क्लोथ्स आर ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम वॉट वी सीन एंड, अब लोग जो कपड़े पहन रहे हैं ना वो भी अलग है, बिकॉज हमारे यहाँ गुजरात में तो सब लोग साड़ी है, वो भी इस तरह से पहनते हैं पल्लू डाल के लेडीज़, और जेंट्स लोग मोस्टली फॉर्मल यूज़ करते हैं, फंक्शंस होता है तो फिर अलग से पहनते हैं मतलब। बट इन साउथ क्या होता है, साड़ी का पहनने का भी अलग तरीका होता है, और मोस्टली जेंट्स लोग लुंगी और ये सब पहनते हैं टॉप्स, सो थोड़ा बहुत चेंज। मोस्ट पीपल्स आर वेयरिंग वाइट एंड क्रीम कलर्ड धोतीस एंड साड़ी, हमें धोती बोलते हैं पर वहाँ पे वो लुंगीस बोलते हैं। मैनी पीपल हु वेयर विद अस फ्रॉम अहमदाबाद हैव गॉट ऑफ, मतलब हमारे साथ बहुत सारे लोग अहमदाबाद से आ रहे थे, वो लोग पहले से ही उतर गए। पीपल हैव ऑल्सो गॉट ऑन द ट्रेन फ्रॉम डिफरेंट स्टेशन, जैसे जैसे लोग कुछ निकलते, जैसे उनका स्टेशन है तो वो निकल भी जाते हैं, और जिनका आना है आगे केरला तक तो वो लोग ऊपर एक गेटिंग भी करते हैं, ऐसे जिसका स्टेशन आता है वैसे वैसे लोग उतरते रहते हैं। सुनील फैमिली इज़ गेटिंग ऑफ एट कोझिकोड़ी, अब ये सुनील और उन्नी का फैमिली है, वो लोग भी कोझिकोड़ी जा रहे थे दादी माँ के घर, वो भी अब कोझिकोड़ी आने वाला है, तो फिर वो लोग भी निकलने वाले हैं। विच कम्स एट अराउंड 6 o'clock, अब 6 बजे वो स्टेशन आने वाला है। वी हैव एक्सचेंज एड्रेसेस एंड प्लान टू मीट एट अहमदाबाद, यू विल ऑल्सो लाइक सुनील एंड, अब हम लोगों की पहचान हो गई, 2 दिन रहे तो फिर बोला हाँ आपका एड्रेस दे दो, हम जब अहमदाबाद आएंगे हम आपके घर आएंगे, ऐसे से करके फिर हम बोले चलो हम मिलते हैं अहमदाबाद आके, आप भी आना यू भी आना। ऐसे विच लैंग्वेज डू यू स्पीक एट होम, अब हम लोग किस प्रकार की
हम गुजरात है, मोस्टली ऐसा नहीं गुजरात में है तो गुजराती बोलते हैं, कुछ लोग कहीं और से भी आते हैं, तमिल से भी आए हुए थे, तमिलनाडु से, तो तमिल स्पीच करते हैं, मतलब अपनी जो रीजनल लैंग्वेज होती है, अपनी जो मदर टंग होती है वही हम स्पीक करते हैं। किसी की गुजराती भी हो सकती है, किसी की मराठी भी हो सकती है। सो पीपल इन इंडिया लिव इन डिफरेंट वे और हर कोई हर जगह रहता है पूरे कंट्री में। ऑन द सेम फ्रॉम गुजरात टू केरला उनाना ट्रेन वेंट थ्रू द सेवरल स्टेट्स ऑफ अवर कंट्री, फाइंड आउट द नेक्स्ट नेम्स। मतलब देखो गुजरात से स्टार्ट हुई थी गाड़ी और पहुंची कहाँ, केरला। उसके पीछे कितने स्टेट्स आ रहे, गुजरात के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद गोवा, गोवा के बाद कर्नाटका, कर्नाटक के बाद केरला, मतलब पांच स्टेट्स आए। आई विल एक्सप्लेन यू इन योर प्रैक्टिस बुक। जब आई डिड यू एवर हैव कोकोनट ट्रीज, कोकोनट वाटर, आपने नारियल का पानी पिया है, बहुत सारी बात देखा, भले प्लांट्स नहीं बट हमने पानी तो पिया है। हाउ डिड यू फाइंड इट, कैसा लगता है? अच्छा, ड्रॉ कोकोनट ट्री एंड डिस्कस इन द क्लास, यू कैन डू इट फॉर योर फन। अब देखो, फाइंड आउट इन विच स्टेट दीज लैंग्वेज आर स्पोकन, यू कैन सी हियर कौन कौन सी स्टेट में कौन कौन सी लैंग्वेजेस स्पीक की जाती है। मतलब जैसे हमारे गुजरात में गुजराती बोली जाती है, दैट इज़ अ मतलब रिलीजियस लैंग्वेज, ओके। जैसे आप महाराष्ट्र में जाओ तो मराठी होगी, राजस्थान में जाओ तो मारवाड़ी बोलते हैं, ओके, हिंदी भी बोलते हैं, तमिलनाडु में जाओ तमिल, ओके। तो वैसे डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स हैव डिफरेंट लैंग्वेज। तो मलयालम कहाँ पे? केरला में, कोंकणी गोवा, मराठी महाराष्ट्र मुंबई, महाराष्ट्र सॉरी, गुजराती इन गुजरात, कन्नड़ इन कर्नाटका। नाउ 17 मई हो गई, कितने बजे? 9:30 बजे हैं। सो नाउ इट इज़ नाइट, वी हैव ऑल्सो स्टार्टेड पैकिंग अप। अब रात के 9 बज गए, हमने भी पैक करना शुरू किया। ट्रेन विल रीच कोट्टयम इन अबाउट 3 आवर्स, अब 3 घंटे के बाद हमारा स्टेशन आ जाए कोट्टयम करके, दैट इज़ वेयर वी हैव टू गेट ऑफ, जहाँ पे हमें नीचे उतरना है। टुनाइट वी विल गो टू वल्लियम्मा'स हाउस, टुमारोज वी विल टेक द बस दैट विल टेक अस टू अम्मा'स विलेज। अब आज शाम को, आज रात को हम चले जाएंगे वल्लियम्मा। यहाँ वल्लियम्मा मतलब कौन होता है? मासी, ओके। हमारी मासी जो थी उनके घर हम चले जाएंगे, क्योंकि रात को कहाँ जाएंगे, 12 बजे, 9 बजे, 3 बजे का हमारे गाड़ी रुकने, मतलब 9 के बाद 10, 11, 12, मतलब 12 बजे हम कोट्टयम पहुँचे, तो 12 बजे हम कहाँ जाएंगे, कोई व्हीकल मिले ना मिले, तो वो लोग मासी के घर, वल्लियम्मा के घर चले जाएँ। कल सुबह हम अम्मा के घर, अम्मा के घर मतलब दादी के, नानी के घर जाएंगे। वी ऑल आर क्वाइट टायर्ड आफ्टर ऑल वी हैव बीन ऑन द ट्रेन फॉर 2 डेज। अब हम लोग 2 दिन से कंटिन्यूस गाड़ी में बैठ बैठ के बहुत ही टायर्ड हो गए, अब हमें बहुत ही बोर हो गए। आफ्टर ऑल वी हैव बीन ऑन द ट्रेन फॉर 2 डेज, वॉट अ लॉन्ग जर्नी इट हैज़ बीन, बहुत ही लंबी जर्नी रही। वी हैड अ लॉट ऑफ फन, पर फिर भी मज़ा आया। वी विल पुट माई डायरी नाउ अवे नाउ, आई विल राइट अगेन आफ्टर वी रीच अम्मा'स। अब मैं अपनी डायरी भी रख रहा हूँ और हम अपना घर के जाने के बाद हम लगे, वॉट डू यू कॉल देम। अब देखो, जैसे हम लोग अपने दादा दादी को गुजराती में भी अलग से बुलाते हैं, सभी लैंग्वेज में अपने पर तरीका होता है। योर मदर सिस्टर, मम्मी की सिस्टर को हम क्या बुलाते हैं? मासी, है ना, तो वहाँ पे चित्ती करके बुलाते हैं। मदर्स मदर, मम्मी की मम्मी को क्या बुलाते हैं? नानी, वहाँ पे पार्टी करके बुलाते हैं। अब फादर्स सिस्टर, पापा की सिस्टर जो होती है वो हमारी क्या होती है? बुआ, वहाँ पे अत्ते ऐसे करके बोलते हैं। योर फादर्स मदर, आपके पापा की मम्मी दादी होती है, दादी को क्या बोलते हैं? पार्टी बोलते हैं वहाँ पे। दैट्स ऑल, दिस इज़ योर लेसन। सो आई थिंक यू हैव एन्जॉयड योर लेसन, थैंक यू।